नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं हमारा ये बेहद खास प्रोग्राम। दर्शकों, हम यहां बात करने वाले हैं बॉलीवुड में कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशनशिप के बारे में। जो चर्चा होती है वो सिर्फ फिल्मी सितारों की नहीं बल्कि फिल्मी सितारों के साथ गहरा ताल्लुकात रखने वाले फिल्मी सितारों के घर पर भी होती है। रिश्ते कब विवादों में आ जाए और कब रिश्ते से जुड़े विवाद सालों तक गहरे राज बनकर रह जाए, लोग नहीं जान पाते हैं। बिल्कुल सच है ये कि श्वेता नंदा बच्चन अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, जलसा में रहती हैं और अपने ससुराल में नहीं रहती हैं, क्योंकि बीते 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है लॉकडाउन के बाद श्वेता राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई में जलसा भवन में है। लेकिन श्वेता, जो कि 21 की उम्र में साल 1997 में यानी कि लगभग 24 साल पहले शादी के बंधन में निखिल नंदा के साथ बंधी, क्यों वो रहती है जलसा में? क्या वो अपने ससुराल से अलग हो चुकी हैं? क्या तलाक श्वेता और निखिल का हुआ? क्या है इसकी पूरी सच्चाई, ये हम आपको आज बताएंगे। दर्शकों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं हमारा ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में श्वेता नंदा बच्चन अभिषेक की अपनी बहन, ऐश्वर्या की अपनी ननद, अमिताभ जया की इकलौती बेटी की हम बात करेंगे, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है, जो कि बॉलीवुड के पर्दे में भले नजर ना आई हो लेकिन करण जौहर, ऋतिक रोशन जैसे बड़े कलाकारों के साथ स्ट्रांग बॉन्ड शेयर करती है। श्वेता शाहरुख की पत्नी गौरी के साथ है उनका गहरा रिश्ता। श्वेता को बॉलीवुड में आपने सुना होगा कि पर्दे पर कभी भी आने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसके अलावा एक फैशन डिजाइनर है वो, एक नॉवल राइटर है वो। जी हाँ, उन्होंने किताब लिखी है पैराडाइज टावर अपने नाम, जो काफी तारीफ में रही। इसके अलावा प्रोफेशनली तो वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पर्सनल रिलेशन के मामले में थोड़ा कच्चा है उनका रिश्ता अपने हस्बैंड निखिल नंदा के साथ। क्या है पूरी सच्चाई निखिल और श्वेता के रिश्ते की? क्या है तलाक से जुड़ी खबरों का सच? आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई ऐसी सच्चाई हैं जो कि सालों तक पर्दे के पीछे छुपी रहती है। यहाँ हम फिल्म की नहीं बल्कि बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के कपल्स की जिंदगी के बारे में। स्टार किड्स में सबसे ज्यादा बॉलीवुड की अभिनेता अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा का चर्चा रहा है हमेशा। श्वेता बच्चन की निजी जिंदगी के बारे में हमेशा विवादित टिप्पणियां सुनने को मिली है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे बच्चन परिवार का ये राज, जो कि सालों से पर्दे के पीछे रहा है, या यूं कह लीजिए कि घर के दीवारों में कैद रहा है। घर की चार दीवारी के अंदर बच्चन परिवार में कई बार झगड़े हुए, कई बार मतभेद हुए, रिश्ते में खटास और रिश्ते में दरार की बातें आई। बात की जाए दिवंगत पॉलिटिशियन अमर सिंह की, तो उन्होंने अमिताभ और जया को लेकर कई बार विवादित टिप्पणियां दी थी, जिसके कारण अमर सिंह के साथ जया बच्चन और अमिताभ के रिश्ते में काफी दरार भी आए थे। अमिताभ जया अलग अलग घर में रहते हैं, इस तरह की बातें अमर सिंह ने की थी। लेकिन क्या आपको मालूम है अमिताभ जया, जिन्होंने अपनी बेटी श्वेता बच्चन की शादी के दौरान एक दूसरे से झगड़े तक कर लिए थे, खुद श्वेता ने इंटरव्यू में ये खुलासे किए थे। 21 साल की उम्र में श्वेता जब कॉलेज के दिनों में ही कंप्लीट कर रही थी एजुकेशन और उनकी शादी फिक्स कर दी थी जया बच्चन ने कपूर खानदान की बेटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऋतु नंदा के बेटे की हम बात कर रहे हैं, जिनके साथ रिश्ता तय हुआ था श्वेता नंदा का। बिजनेसमैन स्कॉट्स कंपनी के ऑनर निखिल नंदा के साथ रिश्ता फिक्स हुआ श्वेता नंदा का। शादी के बाद श्वेता नंदा परिवार की बहू तो बनी। साल 1997 में श्वेता निखिल नंदा के साथ अपना घर बसा चुकी थी, लेकिन इतने सालों में आपने शायद गौर ना किया। आप अगर जानते हो तो बताना चाहेंगे कि श्वेता नंदा बच्चन काफी समय से बच्चन परिवार की रेजिडेंस में ही रहती है, यानी कि अमिताभ बच्चन की आलीशान बंगलो जलसा में ही वो रहती है, जहां उनके बेटे अगस्त्या और उनकी बेटी नव्या को अक्सर देखा गया है। लॉकडाउन पीरियड में जब वर्चुअल क्लासेस के दौरान नव्या ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया तो स्कॉलरशिप मिलने की बात हुई और उन्होंने अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और उन्होंने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान बच्चन परिवार के बीच ही थी, इसका जश्न भी मना। यहाँ तक कि कोरोना वायरस की वजह से
ऐश्वर्या अभिषेक और अमिताभ साथ में आराध्या जब हॉस्पिटल में एडमिट थे नानावती हॉस्पिटल में, तब जया बच्चन का ख्याल रखने वाली श्वेता नंदा बच्चन ही थी। आज ये सच आपको बता दे कि शादी के इतने सालों में भले ही ये बात कभी बच्चन परिवार से आपने ना सुनी हो कि श्वेता बच्चन डाइवोर्सी हैं, लेकिन कई ऐसे पब्लिकेशंस में ये खबर छापी जा चुकी है, कई ऐसे वेबसाइट्स में ये खबर छापी जा चुकी है कि श्वेता नंदा बच्चन एक्चुअली डाइवोर्सी हैं। निखिल नंदा से वो सेपरेट हो चुकी थी, काफ़ी समय तक इनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आया और उसके बाद इन दोनों ने फैसला लिया कि ये दोनों अलग रहेंगे। इतने सालों में श्वेता बच्चन अगर जलसा में रह रही हैं, मुंबई में ही अगर शिफ्ट हो चुकी हैं, तो इसके पीछे उनके कारण हैं निखिल नंदा के साथ रिश्ते में टकराव। जी हाँ, निखिल नंदा बिजनेसमैन निखिल नंदा के साथ वो नहीं रहती, लेकिन हाँ परिवार में जब भी कोई खास सेरेमनी हो, कोई ज़रूरत के परिवार में सदस्य की कमी हो, तो वहाँ श्वेता एक बहू होने का फर्ज ज़रूर निभाती हैं। श्वेता नंदा बच्चन को 2 साल पहले अपने ससुर राजन नंदा के निधन के बाद देखा गया था अपनी सास ऋतु नंदा को संभालते हुए। राजधानी दिल्ली में उनका ससुराल है, राजधानी दिल्ली के गुड़गांव में उनका ससुराल है, जहां एस्कॉर्ट कंपनी की ऑनर निखिल नंदा रहते हैं अपने परिवार के साथ। राजन नंदा के गुजरने के बाद इस साल जनवरी के महीने में ऋतु नंदा का निधन कैंसर की वजह से हुआ, लेकिन राजधानी दिल्ली नहीं पहुंची थी श्वेता नंदा बच्चन। लेकिन हाँ, प्रेम मीट के दौरान सभी लोग मौजूद थे, अमिताभ, श्वेता, जया और उनका परिवार। कपूर परिवार के साथ ताल्लुकात श्वेता का आज भी गहरा है, लेकिन यह सच है कि निखिल के परिवार को अपने पति को छोड़ श्वेता पूरी तरह से मुंबई में शिफ्टेड है, जहां वो MS स्टोर लॉन्च करने के बाद यहां अपने बिजनेस को संभालती है। एक जर्नलिस्ट रह चुकी श्वेता नंदा बच्चन अपने परिवार से दूर, ससुराल से दूर, अपने मुंबई वाले घर में ही रहती हैं, और ये कई ऐसे एग्जाम्पल सामने आ चुके हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जाएंगे, उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बीच आप देखेंगे कि उनकी जितने भी पोस्ट हैं उसमें पोस्ट रहा है। जी हाँ, ऐसा ही है रिश्ता श्वेता का अपने हस्बैंड के साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दर्शकों, ये था हमारा आज का बेहद खास प्रोग्राम श्वेता नंदा बच्चन को लेकर, निखिल नंदा को लेकर, श्वेता और निखिल के रिश्ते को लेकर। जी हाँ, नव्या नवेली नंदा, हाल ही में नव्या ने ये खुलासा किया था कि गंभीर बीमारी एंग्जाइटी का उन्होंने सामना किया, थेरेपी लिए, उसके बाद इस बीमारी से उन्हें राहत मिली। ये मेंटल डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी एक प्रकार की, जो कि डिप्रेशन के एक अलग प्रकार का एक बीमारी माना जाता है। ऐसे में नव्या, श्वेता और निखिल की बेटी है, जिन्होंने इस साल ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो आरा हेल्थ के साथ जुड़कर एंग्जाइटी जैसे डिसऑर्डर का सामना करने पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर चुकी हैं। तो बेटी की गंभीर बीमारी के बाद श्वेता नंदा बच्चन और निखिल नंदा के बीच तलाक को लेकर आई खबरों के बारे में क्या है वो पूरी डिटेल और किस वजह से श्वेता और निखिल दूर रहते हैं, ये हमने आपको बताया, क्योंकि श्वेता बीते कई सालों से यही रह रही है और वो निजी रिश्ते में तकरार के पीछे का कारण अब तक श्वेता और उनकी फैमिली ने किसी से शेयर नहीं किया। खैर, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो आज अब यहीं पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर लौटेंगे अगली बार अगले एपिसोड में। इसी तरह बी टॉम की कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशनशिप, बी टॉम की फेमस सेलेब की ऐसी ही कच्ची कहानी और कई बड़ी अनसुनी पहलुओं से आपको रूबरू कराने के लिए देखते रहे आप। तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज, मुझे यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।